हुकूमत भी आ जाएगी लेकिन इलेक्शन शायद वक्त पर ना हो जनरल इलेक्शन ही हो और इससे पहले कुछ और हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की उनकी ना एहली की और फिर इलेक्शन नहीं होते तो इसका इसका मुकाबला किस तरह से करेंगे आप लोग पेशबंदी है इसमें आपकी देखिए मसूद रजा साहब एक बड़ी क्लियर बात है ये चाहे ऐसा इकबाल आ जाए चाहे कोई भी आ जाए इकॉनमी के मुतालिक इन्होंने इतनी झूठ बोला है और बड़ी बेशर्मी से झूठ बोला है क्योंकि मिफ्ता इस्माइल सेमिनार्स कर रहे हैं हर जगह जाके सेमिनार्स कर रहे हैं साथ इकोनॉमिस्ट लेके और वो बता रहे हैं कि इकोनॉमी का कैसे बेड़ा गर्क हुआ है और ये जो इन्होंने आर्टिफिशली टेक्निकल डिफ़ॉल्ट कराया हुआ है जिसमें एलसीज़ को इन्होंने रोक के रखा हुआ है आपकी ट्योटा बंद हो गई आपकी सुजुकी बंद होगी, आपके निशात मिल्स बंद हो गए आपके खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने वाली हैं आपकी इकॉनमी जो है वो छः फीसद से नेगेटिव पे आ गई है आपके रिजर्व्स जो हैं वो सोलह बिलियन से जब हम छोड़ के गए फोर पॉइंट थ्री बिलियन पे आ गए हैं आपकी एक्सपोर्ट्स डाइव कर रही हैं आपकी सत्तर लाख बंदे सत्तर लाख ये आप लोगों ने फिगर दिए हुए हैं आपके चैनल ने और चैनल्स ने सत्तर लाख बंदे बेरोजगार होने जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने की वजह से तो ये जब ये सारी चीजें सामने आए इनके मुझे बताएं ये कितनी देर लास्ट करेंगे ये एक अल्लाह माफी दे ये जो तूफान आने वाला है ये सबसे पहले इनको बहा के लेके जाएगा और इसहाकदार साहब जो हैं जो कुछ उन्होंने मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक कहा था कि पहले छह महीने इन्होंने जो कुछ किया है और सुलेमान शरीफ ने कहा कि जोकर थे ये जोकर मतलब आपस में

कि इस वक्त बिल्कुल डेस्परेट हैं और इन्होंने तकरीबन इमरान साहब पे इमरान खान साहब पे हर किस्म का अटैक का इजहार कर दिया और बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पे इसलिए हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं इस वक़्त इनको इनकी खाम ख्याली है इनकी खाम ख्याली है इन्होंने कुछ ट्रेलर्स देखे थे जब लोग बाहर निकले थे और अगर इन्होंने ऐसी कुछ हरकत की और पता है आपको कि अगले पंद्रह दिन में जो इकोनॉमी का हाल होना है लोग हम इमरान खान साहब लोग नहीं रुकेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ अभी तो अभी तो सिर्फ हम कयास में बात कर रहे हैं अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो सेकंड लीडरशिप कौन होगी सामने जो जो लोगों को क्राउड पुलर हो जो जो तहरीक चला सके बिल्कुल हमारी जो लीडरशिप है तैयार है हमारे पास प्लान ए है प्लान बी है प्लान सी है हर चीज का प्लान बना हुआ है और पूरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी हमने इसको, क्योंकि हमें पता है कि ये अगर गोलियां देखें जब जिस दिन इन्होंने हमें गोलियां मारी उस दिन हम कोई, कोई पच्चीस और इन्होंने जिस बेदरेग तरीके से गोलियां मारी है इनका इतना डेस्परेशन है और ये एक अजीब सा समय के एक एक्स प्राइम अभी, मिनिस्टर अभी आज तक रास्त पर नहीं लग सकता

हम इसको देखेंगे इमरान खान साहब की कारकरी और जहां वो मुल्क छोड़ के गए थे क्या आवाम इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपका तजिया इस पर क्या होगा कि आप इलेक्शन मोड में हो अपना वक्त पूरा कर चुके हों जो भी आपका वक्त था और फिर आप ये कहें कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं पिछड़ा वाला जिम्मेदार था देखिये मसूद गुजस्त आठ नौ माह के दौरान जो अवाम के साथ हुआ उसके लिए आपको माहरेत होने की जरूरत नहीं है जो जो महंगाई हुई वो पूरी कौम ने देखा इस वक्त वो फरमा रहे हैं ये ऐसा इकबाल साहब भी और उनकी हुकूमत हमने मैशियत में बड़े कोई तीर मारे हैं और जनीवा का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहां से भी हमें अरब डॉलर मिला है हकीकत ये है कि इनको एक डॉलर नहीं मिला किसी ने इनके हाथ में एक डॉलर कैश नहीं दिया ना सऊदी अरब ने ना किसी और मुल्क ने ये सिर्फ अगर उनको मिल चुके हैं इतने डॉलर तो फिर ये आई से एक अरब डॉलर लेने के लिए क्यों उनकी मिन्नत समाजित कर रहे हैं हालत ये हो चुकी है, आपकी मैशत की कि जो शिपिंग लाइन है शिपिंग लाइन पे कार्गो में पाकिस्तान के अंदर माल आता है, वो अपनी बंद करने की बात कर रहे हैं है, है। और ये कह रहे हैं अरब डॉलर वहां से आ गया वहां से आ गया हकीकत कुछ हो रहा है हकैक के बाराक्स साहब जो मर्जी दावे करते रहे जो मीशत के साथ इन्होंने किया है गुजश्ता सात आठ महीनों के दौरान हालत ये होगी कि जो अरब और खरब पति आपके कारोबारी तबका है वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा उसकी कोई वैल्यू नहीं है अरबों रुपए पड़े बैंक्स में लेकिन पांच हजार डॉलर हमें नहीं दे सकती वो अमरीकी खाने को ब्राह रास्त लिख रहे मिल्स अभी नहीं है ना हुत अपनी इस परफॉर्मेंस में तो नहीं द्रायरा... है ना हुकूमत के के अपनी अपनी करेंगे तो ये जो दो असेंबलियों के इलेक्शन है आपको होते नजर आ रहे हैं या ये आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और अगले इलेक्शन अपने वक्त पर होते नजर आ रहे हैं या वो भी आगे, आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं देखिए हुकूमत के कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी चाहिए वो तो जा सकते हैं वो जिस तरह जमहूत के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं तो वो आगे हुकूमत और मैशत के नाम पे भी बहुत कुछ करेंगे लेकिन मौजूदा हालात में इलेक्शंस के अंदर उनके लिए जाना आसान नहीं होगा मुझे ये लगता है मैं ये मेरे पास कोई इस तरह की खबर नहीं है मेरा ये है कि ये करेंगे कि और बाद इस पोजिशन में आ पाएंगे कि वो इलेक्शन में चले जाए क्योंकि नौ महीने बचते हैं फिर सॉरी मसूद आपका आवाज नहीं आई यानी नौ महीने बाद इस पोजीशन में आ सकते हैं कि वो इलेक्शन में जाए और आवाम को बता सकें कि उन्होंने मीशत को बहरान से निकाल लिया है महंगाई कम कर दी है हालांकि आई एम एफ का प्रोग्राम होना है महंगाई मजीद बढ़नी है डिले करेंगे तो और बढ़नी है और खुदा खास्ता और एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तो फिर तो तबाही है मसूद साहब हकायक ये हैं कि ये 40-50 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करने वाले इस पोजीशन में नहीं है कि ये तेरह चौदह जमातें मिलकर एक जमात का मुकाबला कर सकें तो नौ महीनों में इन्होंने कौन सा तीर मार लेना है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस पोजीशन में होंगे बाकी कोशिश ये अपनी पूरी करेंगे इसलिए कि अवी सियासत के बजाय इनका दारो मदार होता है बंद कमरों की सियासत पे महलाती साजिशों में उसमें यह अपनी कोशिश करेंगे लेकिन इलेक्शन के अंदर मुझे इनके लिए मुश्किल नजर आ रही हजी अबा साहबा हर सूरत में आपके लिए बेहतरीन नज़र आ रही है अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होते तब भी आपका बयानिया मज़बूत होता है आपको तहरीक चलाने का मौका मिलता है और अगर इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाते हैं तो भी आपकी मकबूलियत इस वक्त अच्छी खासी है और समझाया जा रहा है कि आपके लिए इलेक्शन आसान होगा तो आप लोग इस सूरत हाल में तो आपको खासा मतम होना चाहिए यकीनी तौर तो पर मुतमिन होंगे आप लोग हम अपने तौर पे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे हमें फायदा है जितना डिले होगा क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो मार्च टूवर्ड्स डेथ इनका है लेकिन आप मुल्क को देखें हम, हम मुल्क के लिए आ रहे हैं जितना ज्यादा आप दिन ब दिन देखें आपको रोज रिजर्व कम हो रहे हैं आपकी बेरोजगारी रोज बढ़ रही है आपकी इस वक्त को चालीस इन्फ्लेशन हो गई है और ये ऊपर की ऊपर जानी है उसके अलावा आप देखें अगर ये आईएमएफ की ये सारी चीज़ें अभी करेंगे तो एक तूफान आ जाएगा और चौथी चो, बात ये है कि ये दहशत गर्दी जो है ये वो बढ़ती जा रही है इनका सारा फोकस रहा है हम पे केसेस करने के मेरे पे सात केस करके चार मेरे पे दहशतगर्दी के केस करके मेरे जैसे लोगों को इन्होंने हरासा किया है इनके सर पे आके खड़े हैं लेकिन शहरों में रैलियां निकल रही थी और कहीं बड़ी रैलियां भी निकल रही थी फिर यह था कि इमरान खान साहब इस एहतजाज को लीड करेंगे वो बाहर आ जाएंगे लेकिन अब वो ना रैलियां हो रही हैं ना इमरान खान साहब बाहर निकल रहे हैं दूसरी तरफ मरियम तैयारी कर रही हैं वो वापस आएंगी और आकर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगी तो वो आवाम में जाने के लिए तैयार हैं लेकिन अगर इमरान खान साहब मौजूद नहीं है तो आपकी छोटी छोटी रैलियां जो हैं वो भी नहीं निकल पा रही बिल्कुल गलत आप कल भी देखें हमारी हमारी पूरी जो एम पी एम एन ए और हर तरह हर कॉन्स्टिट्यूंसी से रैली कल आप साढ़े बारह बजे देखना कि जमशेद चीमा साहब जो हमारे आ, आ, हैं कैंडिडेट वो रैली निकाल रहे हैं और परसों अब वैसे भी आपने देखा है गुजरात गुजरा वाला हर रोज़ हमारा रैली का पूरा प्लान बना होता है खान साहब इन शाह अगले दस दिनों में उनको इजाज़त मिल जाएगी और उसके बाद आप हम पूरा कैंपेन मोड में होंगे मरियम बेचारी उसको तो आप छोड़ें वो तो सर्जरियां कराने गई हुई है उसके अब्बा भी भाग गए वो भी भाग गए उसने कहा है कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी पहले 22 को आना था फिर उनतीस को आना था फिर कभी सत्ताईस को कहते हैं उनका तो ये हाल है कि अब्बा जी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, वो कहती है मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मरियम यहाँ थी जब वो आज़ाद कश्मीर की कर रही थी और वो हार गए वहाँ से मरियम यहाँ थी जब हमने 17 जुलाई को इनको 15 सीटों पे मुँह पे मारी मरियम ने ये मरियम और हमजा ने ये सारे कैंपेंस किए और इनको इब्रतनाक शिकस्त हुई जिसके बाद ये भाग गए और उसके बाद खान साहब ने आठ में से सात सीटें भी जीती हैं तो मरियम के तो वैसे ही हम कहते हैं कि हमारी तरफ से खेलती है जब कोई ऐसी बात होती है मरियम माशाल्लाह ऐसा लूज बॉल करती है कि वो बिल्कुल हमारी मैन ऑफ द मैच हो जाती आपको, है आपको ऐसा लगता है कि वो आएंगी जितना... भी तो आपके लिए फायदा होगा यहाँ पर एक मुझे ब्रेक